हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं हूं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एसएस राजमौली जूनियर एनटीआर एंड रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर के डे नंबर 13 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? माय फ्रेंड्स, फाइनली द 200 करोड़ क्लब पोस्टर इज आउट। मेकर्स ने बाकायदा हिंदी में 200 करोड़ नेट का जो पोस्टर है वो रिलीज कर दिया है। देखिए गाइस, जब पहले दिन इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 20 करोड़ कमाए थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि द कश्मीर फाइल्स के जो वेव है उसके बाद ये फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस पे। एंड जिस तरह से जो हाल बच्चन पांडे का हुआ था, सभी को लगा था कि ट्रिपल आर वुड नॉट सर्वाइव एंड नॉट सर्वाइव टिल 125 करोड़ ऑल्सो। यू नो, कहते हैं ना, एसएस राजमौली इज द मास्टर क्राफ्ट्समैन। 200 करोड़ जब आपकी फिल्म कमाती है ना, तब जनता का फैसला उसमें जुड़ जाता है एंड जनता जनार्दन होती है। एक फिल्म जिसको जनता ने अपने सराखों पर रख दिया, देन आप उसको डाउट नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को डाउट नहीं कर सकते, उसके स्टोरी को डाउट नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये फिल्म हर एस्पेक्ट में, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, स्टोरी हो, नरेशन हो, स्क्रीन प्ले हो, राजमौली मेड अ परफेक्ट एंटरटेनर जिसे कहते हैं। एंड इस फिल्म ने आज 200 करोड़ कमा लिया है। मैं बस कल रात को मैंने आपको कहा था हिंदी वर्जन में ये फिल्म कहीं ना कहीं 5.70 से लेकर ऑलमोस्ट 6 करोड़ कमाएगी। एंड द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर ट्रिपल आर ऑन इट्स 13th डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस इज 5.50 करोड़। इस फिल्म में 5.5 करोड़ रुपए कमाकर 203.59 करोड़, यस फ्रेंड्स, 203.59 करोड़ कमा लिए है। एंड गाइज, इसका असली खेल सैटरडे से शुरू होगा, जब ये बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तोड़ना शुरू करेगा। बट फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे इंडियन फिल्म इतिहास में सिर्फ दो ही फिल्में थी जिन्होंने 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। एक तो द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, आमिर मामू की दंगल, एंड दूसरी थी बाहुबली। देखिए गाइज, दंगल एंड बाहुबली दोनों चाइना में रिलीज हुई थी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलेक्शंस कि उन्होंने चाइना में कितना किया था, ट्रिपल आर, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट द कलेक्शंस ऑफ चाइना 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाने वाली है। तो ये बात आप दिमाग में रख लेना कि चाइना के बगैर गई है, नंबर वन। नंबर टू, ये महामारी के बाद सबसे बड़ी फिल्म जो रिलीज हुई थी, द वेव, थर्ड वेव के बाद, वो है ट्रिपल आर। देखिए गाइस, द मूवी वॉचिंग पैटर्न ऑफ द ऑडियंस वे बैक इन 2016 एंड 2017 हैज चेंज्ड। यही ट्रिपल आर 2016-17 में आती तो इसका कलेक्शन कहीं और होता। अब जनता बहुत ही सेलेक्टिव हो गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, वो टाइम पे लाइनें लगती थी डीवीडी वीसीडी लेने के लिए, या फिर जो लोग डाउनलोड करके खड़े रहते थे, वो साइबर कैफे के बाहर खड़े रहकर डाउनलोड कराते थे पिक्चर। आज वो जमाना चला गया है, बड़ी बड़ी फिल्में आपके पास यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यू नो, हॉटस्टार, जो भी ऐप है, उल्लू ऐप है, सबके ऊपर अवेलेबल है। तो जो सर्कमस्टांसिस में फिल्म आई है उसको सलाम है, जो सर्कमस्टांसिस में इसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है उसको सलाम है। इसीलिए ये फिल्म खास बन जाती है, थर्ड फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा टू टच 1000 करोड़। एंड कल जैसे मैंने सभी लोगों को कहा था, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इन लोग की पार्टी जो है वो प्लान हो गई है, एंड वही हुआ। आमिर मामू आ गए, उत्तरी, मैंने बोला था मैं आऊंगा, आ गया मैं, सर स्नैक्स भी खाया मैंने, बहुत मजा किया पार्टी में, बहुत मजा आया मुझे। तो गाइस, पार्टी में देख सकते हो आपके स्क्रीन पर आमिर खान में जयंतीलाल गाड़ा, द टोस्ट ऑफ द टाउन। जयंती भाई बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, एंड कभी भी आप इनके तरफ से यू नो जोर से बातचीत करना या फिर यू नो ऊंची आवाज में बात, वेरी काम एंड मतलब ना काम सिचुएशन में किस तरह से आदमी रहता है, उस तरह के व्यक्ति है जयंतीलाल भाई। तो जयंतीलाल भाई की 3 फिल्में ये साल रिलीज हुई, ऑब्वियसली गंगू भाई, स्मैश इट, ट्रिपल आर, ब्लॉकबस्टर, अनफॉर्चुनेटली अटैक उतनी नहीं चली क्योंकि जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हियर इज आमिर खान, द मैन ऑफ द मोमेंट, जयंतीलाल गाड़ा, दोनों साथ में खड़े हैं एंड इनके पीछे 1000 करोड़ का पोस्टर। भैया, 1000 करोड़ का पोस्टर रिलीज कर दिया यार, अरे हमने बोला था हम बनाएंगे अपने हाथों से चित्र, हम आपको चिट्ठी लिखेंगे राजमौली जिसमें आपको थैंक यू बोलने वाला है, आप बस हमें मिठाई भेज दीजिए यार, कब से मांग रहा हूँ मैं। हाँ, तो गाइस यहाँ पर 1000 करोड़ जो है पोस्टर लग सकते हैं। मैं भी आया था इस पार्टी में आप सभी लोगों से मिलने के लिए। तो जावेद अख्तर भी है यहाँ पर, जावेद भाई भी आए यहाँ पर, एंड साथ में है करण जौहर। तो करण जौहर, जावेद अख्तर, एसएस राजमौली, सारे के सारे लोग हैं, एंड रामचरण जूनियर, एनटीआर, everyone has come for the success party of ट्रिपल आर। बहुत सारे गेस्ट आए, राखी सावंत ने पूरा बिग बॉस कर दिया वहां पर आके, तो इतने लोग पेन के साथ काम किए, उन सबको वहां पे इनवाइट किया गया था। तनुश्री दत्ता भी आई थी वहां पर। तो ये था कल के डीवी दानाया जी, सारे के सारे लोग कल पार्टी में थे। तो 1000 करोड़ का पोस्टर जो है छप गया। अब काम की बात पर आते हैं, ओके। 203.59 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया है। आज ये फिल्म कैसे भी
और 5 करोड़ कमाकर 208.59 पर अपना वीक जो खत्म करेगा ना, अगले हफ्ते इसको कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बड़ी फिल्म नहीं है, वो इंग्लिश फिल्म आ रही है, आई डोंट थिंक सो मच ऑडियंस विल गो टू वॉच दैट फिल्म. तो इसको इसकी ऑडियंस जो है वापस से मिलने वाली है थर्ड वीक में. अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना. देखिए गाइस, 1000 करोड़ कमाकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ब्रेक इवन हो चुका है. आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुका है बाहुबली 2 को बीट करके शेयर वाइज. तो इसने अपना काम खत्म कर दिया है. तो अब ये बोलना, अरे इतना कम कमा रही है, भाई इसने कलेक्शन कर दिया है. एंड एक और चीज आप लोगों को मैं बोल देना चाहता हूँ, आज के जमाने में, कंपटीशन के जमाने में, जहाँ एक स्टार दूसरे स्टार को कैसा नीचे गिराते, वो जमाने में यहाँ पर कलेक्शन में हेरा फेरी नहीं हो सकती. 2015-16 में चलता था, या फिर दूसरी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर यू नो कलेक्शन पहले दिन में 500 करोड़, 500 करोड़, ये यहाँ पर नहीं हो पाया है. क्योंकि गाइस सभी निगाहें यहाँ पर थी, यू नो बहुत बड़ी बड़ी कॉम्स को, रेंट्रैक, सभी लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं इस फिल्म को. एंड यहाँ पर ऊपर नीचे करने का सवाल ही नहीं होता. इनके कलेक्शंस प्रॉपर तरीके से एकदम लेवल अप हुए हैं. बाकायदा द नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्स के कलेक्शन मिलाकर एवरी टेरेटरी, मैं तो आपको हर टेरेटरी का कलेक्शन बता रहा हूँ. मैंने आपको हर दिन निजाम, सीडेड, उत्तर आंध्र, नेल्लूर, गुंटूर सब कलेक्शंस बताए. इसलिए गाइस मेरे तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर इस फिल्म के एक भी करोड़ के कलेक्शंस ऊपर नीचे नहीं आने वाले हैं. एंड आजकल इंटरनेट के जमाने में आप ये बात से निश्चिंत रहे, पहले होता था लेकिन अब नहीं. इसने बाकायदा इज्जत में 1000 करोड़ कमाए हैं. आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करूँ तो गाइज डे नंबर 13 4.2 करोड़ का ग्रॉस कमाया है, नेट इज 3.4. तो इस बार आंध्र प्रदेश तेलंगाना का नेट 3.4 है एंड हिंदी का नेट 5.50 है. तो हिंदी वर्जन कितना आगे निकल गया आप देख लो. तो आने वाली जितनी फिल्में हैं हिंदी वर्जन में आपको कलेक्शंस और करने पड़ेंगे. तो आपको अच्छी मार्केटिंग और प्रमोशंस करने हैं. देखो केजीएफ के प्रमोशंस बाप लेवल के चल रहे हैं. अभी चेन्नई में पूरी की पूरी टीम. बात करोगे शेयर की तो शेयर 2.5 करोड़ का ट्रिपल आर का. इसी के साथ बाहुबली तो है 2, वो 13 डे का हाईएस्ट शेयर है विद 4.68 करोड़. प्रतिरोजो पंडगे सरप्राइज 2.91 करोड़. नंबर 3 पर ट्रिपल आर. फिर मेरी फेवरेट फिल्म शतनामम भवती 1.72, महर्षि 1.58, अला वैकुंठपुरम लो 1.58, जनता गैराज 1.57. तो सारी की सारी फिल्में जो है ये 13 डे के हाईएस्ट है एंड ट्रिपल आर यहाँ पर थर्ड नंबर पर है विद ऑलमोस्ट 2.54 या 2.55 पकड़ लीजिए आप करोड़ कमाया है शेयर. कर्नाटका 1.5 करोड़, वेरी गुड. तमिलनाडु 1.2 करोड़, केरला 30 लाख, इसी के साथ 3 करोड़ आ गया यहाँ का. एंड ओवरसीज फिल्म ने वॉपिंग 2.2 करोड़ कमाए. इसी के साथ 13th डे ऑफ ट्रिपल आर इज 16.10 करोड़. सो गाइस इसी के साथ 12 दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 958.90 करोड़ की कमाई की थी. एंड अभी इसमें अगर मैं 16.10 करोड़ ऐड कर देता हूँ, ब्रेस योरसेल्फ, 13 दिनों में एसएस राजमौली की ट्रिपल आर ने 974.20 करोड़ कमाए हैं, 974.20 करोड़. अविश्वसनीय, अद्भुत एंड समझ से परे इसने जो कलेक्शंस है वो कर दिए. अब गाइस बहुत लोग इतने दिन से मुझे पूछ रहे हैं कि ग्रॉस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं एग्जैक्टली नेट कितना कमाया. तो इन लोगों को लग रहा है अरे नेट तो अरे 300-400 करोड़ रुपए कमाया इस पिक्चर ने, क्या ये 900 करोड़ की बात कर रहा है. तो आज तुम लोग का नेट कलेक्शन बता देता हूँ ताकि तुम लोग ठंडे हो जाओ थोड़ा सा. मेरे पास इसकी नेट कलेक्शन की बात करूँ, नेट कलेक्शन फॉर ट्रिपल आर इन इंडिया इज 672-671 करोड़ रुपीज. ओनली इंडिया में 670 करोड़ का नेट आया है सारी भाषाओं को मिला लू तो मैं. दिस इज आउटस्टैंडिंग, ह्यूमंगस. बात करो इंडिया ग्रॉस की तो तकरीबन 793 करोड़ का इसका ग्रॉस आया है इंडिया का. एंड ओवरसीज इस फिल्म ने 181 करोड़ कमाया है, यानी कि लगभग हमारा टोटल जो रहता है यानी कि 974 करोड़ का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. सो गाइस ये फिल्म ने वाकई में बोनोफाइडली बहुत ही ऑर्गेनिकली अपना बिजनेस किया है. एंड मेकर्स ने सारा भी ऊपर नीचे ना करते हुए ये कलेक्शन दिए जो कि बहुत ही ईमानदारी से दिए हैं. और सब आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, माफ चाहता हूँ एपिसोड थोड़ा लेट हुआ है, डेटा कंपाइल करने बहुत वक्त लग रहा था. तो रात को मिलेंगे इसके डे 14 के प्रेडिक्शन के साथ. तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. स्मैम साई साइनिंग ऑफ, वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.